एंटीबॉडी पार्ट नंबर फोर्थ। पार्ट नंबर फोर्थ हम बात करेंगे। पार्ट नंबर फोर्थ है जी हाँ, तो लेक्चर नंबर फोर्थ हम बात करेंगे, मारेंगे तुमको ना। ये लेक्चर नंबर फोर्थ है ना, तो थर्ड मैंने पढ़ा दिया था। थर्ड के थर्ड को हम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किए थे, उसी लेक्चर को पार्ट नंबर फोर्थ में हम आपको डिस्कस करेंगे ना। एक्चुअली में उसमें केवल हम आपको लाइफ स्पान से और टाइप के बारे में बताया था कि जो एंटीबॉडी जो होते हैं वो जनरली आईजीजी, जो आईजीजी एंटीबॉडी जो होता है वो जनरली कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार के होता है, IG1, IGG2, IGG3, IGG4। ये मैंने आपको उसके टाइप और लाइफ स्पान के बारे में बताया था, और साथ में हम IGG के भी मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, लाइफ स्पान, हैबिटेट, ये सारा चीज मैंने आपको लेक्चर नंबर थर्ड में डिस्कस कर दिया था। अगर वो हमारे अगर इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लेक्चर नंबर थर्ड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पे आप क्लिक कर देख सकते हैं। तो एक्चुअली में चलिए हम स्टार्ट करते हैं IgG एंटीबॉडीज पार्ट नंबर फोर्थ, और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है। एक्चुअली में जैसे कि आप एंटीबॉडीज कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसका पता होना चाहिए ना कि इसका लाइफ स्पान कितना है, इसका वर्क क्या होता है, ये किस तरह से इम्यूनिटी प्रदान करता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा चीज तो मैंने डिस्कस कर दिया था। लेकिन मैंने एक चीज वहां पे छोड़ा था, उसका मैकेनिज्म ना, मैकेनिज्म कैसे काम करता। एक्चुअली में एंटीबॉडी जो IgG हमारे बॉडी में प्लाज्मा में पाया जाता है या सीरम में पाया जाता है वो काम कैसे करता है, ये चीज तो हमें जानना पड़ेगा ना। तो इसीलिए ये पार्ट नंबर आज के लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा IgG, और इसके बाद हम IgA स्टार्ट करेंगे ना जी। एंटीबॉडी जनरली कितने प्रकार की होती है? IgG, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। ये IgG से हम आपको लेक्चर नंबर 5 के रूप में ऐसे आपको हम आगे भी पढ़ाते रहेंगे। फिलहाल में हम IgG का लेक्चर नंबर 4 बना चुके, ये लेक्चर नंबर 4 है, और इस वीडियो में हम पूरा का पूरा खत्म कर देंगे ना। मतलब कि एक IgG पे हमें लेक्चर नंबर 4 पढ़ना पड़ेगा ना जी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि इट प्रोड्यूस पैसिव इम्यूनिटी क्यूटेनियस एनाफिलैक्सिस। ये मैंने इसके जस्ट पहले का स्टेप मैंने पार्ट नंबर सेकेंड थर्ड में डिस्क्रिप्शन पार्ट नंबर थर्ड में मैंने इसको डिटेल में बताया था, इससे जस्ट पहले ना। तो एक्चुअली में जैसे कि देखिए कह रहा है कि इट प्रोड्यूस पैसिव इम्यूनिटी, तो पैसिव इम्यूनिटी मैंने बताया था कि व्हाट इज ए पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, कोई बता सकता है कि पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? कोई ऐसा है वीर, बताओ बताओ जी। सर जी जैसे हम कोई ऊर्जा मतलब कोई कार्य करके दूसरे को देते हैं, हाँ पैसिव बोलते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है? पहले एक्टिव और पैसिव क्रिया क्या होती है पहले ये बताओ। सर जी एक्टिव हुआ जैसे मतलब हम कार्य किए वो एक्टिव हुआ, अगर दूसरा मतलब वही चीज मतलब हम आपको दे रहे हैं तो पैसिव। नहीं सही है लेकिन थोड़ा सा एक्चुअली में जैसे ये होता है, बैठ जाओ, जैसे एक्चुअली में ये होता है कि पहले एक्टिव पैसिव समझ जाओ। एक्टिव का मतलब ये हुआ कि आप जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि अगर एक छोटे बच्चे को ले लिए ना तो ओके अगर पैसा दे के कहा कि बाबू 5 रुपया खा लिया, 5 और हमारा सामान ले लिया ना, तू दौड़ो जाइए उस दौड़ो सामान लेके, उसको एनर्जी इसलिए मिला क्योंकि आप उसे 5 रुपया दिए। तो इस प्रकार की क्रिया को एक्टिव क्रिया बोलते हैं, मतलब कि आप खुद एनर्जी देकर आप उसे क्रिया करवाए ना। तो एक मतलब यह हुआ कि वह क्रिया जो हम एनर्जी देकर संपन्न कराते हैं ऐसे क्रिया को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव प्रोसेस या एक्टिव क्रिया जो भी होता है ना। मतलब कि जैसे कि तो हम एक झापड़ मारे, तुम हमें रिप्लाई दी, तो ये एक्टिव क्रिया ना, तो हम हमें मार दे लोग झापड़, ये एक्टिव क्रिया। अब पैसे क्या है? तो हम 2 झापड़ मार लिए, हम एक को झापड़ तू ना मार, तो ये पैसे हुआ ना। तू रिस्पॉन्स ही ना कर, तू मार मेरे की कहा तो एक्चुअली में एक्टिव पैसे समझ आया, जो आप ऊर्जा देकर क्रिया करवाती है उसे आप एक्टिव बोलते हैं। जो विदाउट मतलब बिना पैसा जो बाबू ना पहने ले लिए ना कह लो ना,
तू कहीं पर ना दे थे पैसा वैसा ना तो हम ना दे ना ऐसे होता है ना तो जाए घुमा फिरा ना रहा समझ है ना चल आए अरे ला पैसा हम जाए के वो दे अब वो एक 10 रुपया दे रहे तू जाके ले चल आए ला तो वो क्रिया पैसे होगा। तो देखिए एक्चुअली में ये जो IgG एंटीबॉडी जो होता है ये वैसे ही वर्क करता है। ये करता क्या है, इट प्रोड्यूस पैसिव इम्यूनिटी क्यूटेनियस एनाफिलेक्सिस। इसका मतलब हम आपको पहले बताएंगे, पहले ये पैसिव इम्यूनिटी समझ जाइए। पैसिव इम्यूनिटी मैंने बताया था कि वह जो बना बना जैसे मैंने अपना एंटीबॉडी बना लिया ना, या किसी चीज के रूप में आप जैसे मदर जो होती है जब बच्चा डिलीवर करता है बच्चा बाहर आता है तो वो जो भी एंटीबॉडीज प्राप्त करता है माँ से प्राप्त करता है। yes, दूध मिल्क कोलेस्ट्रम से जो मिल्क दूध आता है उससे वो प्राप्त कर लेता है। तो इम्यूनिटी देखिए वो बच्चा नहीं बनाया, कहाँ से लिया, माँ से। तो बना बनाया माँ के वर्क कर रहा था ना, माँ अपना एनर्जी लगाई वर्क की तब वो एंटीबॉडीज बना और वो बच्चों को बिना फ्री में जाके दे दिया। तो फ्री में दिया ना, तो इस प्रकार की इम्यूनिटी को क्या बोलेंगे, पैसिव इम्यूनिटी। तो इसका मतलब यह हुआ पैसिव इम्यूनिटी जो ये जो IgG जो होता है ये पैसिव इम्यूनिटी की तरह काम करता है। मतलब किसी को अगर देना है तो आप बाहर से देंगे ना, जैसे वो एग्जांपल मदर वाला सबसे बेस्ट है। मदर अपना IgG जो भी एंटीबॉडीज रहती है कोलेस्ट्रम के रूप में बच्चे को डिलीवर कर देती है और बच्चा बना बनाया एंटीबॉडीज ले लेता है। समझ में आया। और एक्टिव इम्यूनिटी क्या बोल, तोरिये बॉडी में मिल बनना था तोरिये बॉडी में रिस्पॉन्स करे लगा, एक्टिव इम्यूनिटी उसको बोलते हैं। जैसे कि प्रेसिपिटेशन लिखे है ना, हाँ वो डबल टी ये क्यों बनाया एक नहीं। अच्छा ओके सॉरी ना, प्रेसिपिटेशन सही है ना। तो एक्चुअली में चलिए ये पॉइंट समझ में आया पैसिव इम्यूनिटी का मतलब। तो IgG कैसे रिस्पॉन्स करती है, इम्यूनिटी देती है, पैसिव इम्यूनिटी ना, ये दूसरे से आप ग्रहण करते हैं। और देखिए लिखा है क्यूटेनियस एनाफिलेक्सिस। क्यूटेनियस एनाफिलेक्सिस का मतलब ये होता है कि मींस, देखिए लिखा हूं मींस, इसका मतलब क्या है, ए सडन यूजली सिस्टमिक एलर्जिक रिएक्शन कैरेक्टराइज बाय वैसोडायलेशन रिजल्ट डिक्रीज ब्लड प्रेशर। देखिए कह रहा है क्यूटेनियस एनाफिलेक्सिस का मतलब अचानक जो क्रिया कंप्लीट हो, अचानक क्रिया जो संपन्न हो या क्रिएट हो जाए अचानक। तो देखिए कह रहा है इस सभी यूजुअली सिस्टमेटिक अचानक, तो कोई एलर्जी हो गई अचानक, एलर्जी तो कभी किसी समय किसी टाइम किसी वक्त हो सकता है ना। जैसे आप कहीं गए बस से चेहरे पर रेडनेस आ जाएगी ना, कहीं उल्टी करने लग लू बैठिए में गाड़ी से बैठी ऐसा होता है ना, या कहीं कहीं आप आंख में रेड मतलब आंख से मतलब आंसू आने लगे ना, मैं छींके लग लूं, हाँ तो ये सब अचानक होता है, ये कोई सोच विचार के ना। हालांकि तू जब वो हो दे तो के एलर्जी हो जाए, ये कोई क्रिया ना, अब खाना में तो एलर्जी हो जाए, दूध से एलर्जी हो जाए, किसी भी चीज के लिए आपकी बॉडी सेंसिटिव हो जाएगी, मान लेगी कि हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है उसके लिए एलर्जी होगी। आप ध्यान रखिए अगर आप एक कम से कम 10 साल तक ले दूध ना खरीबू ना तो दूध से एलर्जी हो जाएगी। जानती है क्यों, हमारी बॉडी का एक अच्छा सबसे बेस्ट वर्क क्या है जानते हैं, अगर हमारी बॉडी अगर वो चीज को बार बार ना देखे ना तो वो चीज को भूल जाती है। भूलने का मतलब ये है कि उस पर ध्यान नहीं देती है। मैं कहा वाला कि जो चीज का हमारी बॉडी में वर्क ना वाला कि त्याग के तुरंत फेंक दिले, ये हमारी बॉडी के वर्क है ना। तो जैसे कि कहा ना, जैसे कि आप 20 साल तक ले दुबई सऊदी जाके बाहर रह गईला, तो जब वहां से आप यहाँ आएंगे तो आपकी जो यहाँ का इन्वायरमेंट है यहाँ का जो जो भी चीजें है उसको एक्सेप्ट करेगी और रिकॉग्नाइज करेगी, और ये हमारी गांव का होगी कहाँ का ऐसे पता करेगी ना। तो ऐसे ये इसी क्रिया को एलर्जिकल रिस्पॉन्स बोलते हैं ना। तो जैसे कि आप 10 साल दूध ना खेलू तो एक गिलास फिर मारा 10 साल के बाद ले बाबू ले पी ले ना, तो आप दूध पिएंगे ना तो आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसको तुरंत निकाल दे ना, उल्टी उल्टी ना होके लगेगा ना खा लो तो 10 कम से कम 7 बार 2 साल छोड़ता देखा उन्हीं दिया मैं सूता बाड़ी। तो वही कहने का मतलब ये है ना कि ये हमारी बॉडी का सबसे बेस्ट वर्क है ना।
अच्छा ये रिस्पॉन्स करती है कि अगर तो ये एलर्जिकल रिस्पॉन्स में क्यूटेनियस एनाफिलेक्सिस का मतलब होता है कैरेक्टराइज बाय द वैसोडायलेशन। वैसोडायलेशन का मतलब कि ब्लड वेसल्स को क्या करती है, डायलेट करती है। डायलेट माने क्या होता है, फैलाना ना, डायलेट माने फैलाना होता है ना, कंस्ट्रिक्ट माने दबाना ना। वैसोडायलेशन रिजल्टिंग डिक्रीज ब्लड प्रेशर, जिसके देखिए मान लीजिए अचानक आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जैसे कहीं आप गई हाई, मतलब कहीं किसी ऐसे एरिया पे चली गई, हार्ट अटैक आ गया अचानक ना, या कोई ऐसे क्रिया हुआ जिसके वजह से ब्लड भूत देख लेला ना, तो अचानक आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता ना। तो ये कह रहा है ना कि आईजीजी जो आपके अंदर एंटीबॉडीज पाई जाती है वो मींस एलर्जिकल रिस्पॉन्स में, जैसे कि इमरजेंसी कंडीशन में आपको तुरंत रिप्लाई करने लगती है। इमरजेंसिकल कंडीशन में जैसे अचानक गई भूत आ गया सामने तो आपका हाई ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो उस समय आईजीजी करती क्या जानते हैं, तुरंत आपके जो वेसल्स होते हैं जो ब्लड को सर्कुलेट करते हैं उसी को ये डायलेट कर देती है। डायलेट का मतलब, अच्छा बतावा अगर पाइप हो तो पाइप में पानी, मतलब पाइप अब नाल पानी नहीं भरोले हो ना, तो अगर आप पाई के फाड़ देबू कहीं पी लोन मार देबू तो पनिया धीरे धीरे जाए लगी ना, कम प्रेशर से ना नारी में ज्यादा प्रेशर रहा लगी, पाइप में ज्यादा प्रेशर रहा, पाइप में क्या रहा नहीं, पाइप का एरिया कम होले और नाली का एरिया ज्यादा होले, तो वैसे पनिया धीरे 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 खेते में जाले, अब पाइप से अलग अलग प्रेशर से जाए ना, तो यहाँ पर भी वही क्रिया होती है। तुम सब हंस ज्यादा रही हो पढ़ कम रही हो ना, सुनना था ना, हंस आ लेकिन समझ में आप चाहिए ना। तो एक्चुअली में यहाँ पे भी वही काम होता है, ये एक्चुअली में ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता कैसे है, ब्लड प्रेशर बढ़ने का एक सबसे मेन होता है कि ब्लड का वॉल्यूम अगर बढ़ जाए एरिया कम हो जाए, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाए और एरिया कम हो जाए। तो एक्चुअली में वो क्रिया जो होती है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा ब्लड वेसल्स है, ये हमारा ब्लड वेसल्स, तो अब ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया आई पूरा प्रेशर से बहुत बहुत प्रेशर ना करिए इसे, सेकेंड रुक गया सर, चल ही नहीं रहा। तो एक्चुअली में जैसे कि मैंने ये बता रहा था ना कि ब्लड वेसल्स मान लीजिए ये अगर मान लीजिए ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ गया, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने का मतलब क्या है, देखिए इसका एरिया कम हो गई वॉल्यूम ज्यादा हो गया होगा ना अचानक, तो आईजीजी करता क्या है कि ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है आपका ना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ना, तो ये करता क्या है, ये जो वेसल्स होती है इसी को ऐसे फैला देगा, इसी को क्या कर देगा फैला देगा। अब फैलाने की वजह से जब ब्लड वेसल फैल जाए तो एरिया ज्यादा मिल लेते ना, एरिया ज्यादा हो जाए और ब्लड आसानी से क्या करने लगी आगे बढ़े, अब ब्लड प्रेशर कम हो जाए, ऐसा ही ना होगा। अरे यार ये समझ में आओ था ना, तो जैसे कि मान अगर बीस बीस वो इतना आ गई ना, तो है दरवाजा छोट हवे तो क्या कर भाई, अगर एक केला फैलाओ जाता है दरवाजा तो जोर बढ़िया कर देंगे, खोल जब पूरा दरवाजा भरा रहना है जी हाँ, क्रिया तो यही होना चाहिए ना। तो यहाँ पर भी आईजीजी वैसे ही वर्क करती है, आईजीजी भी वैसे ही वर्क करती है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स को फैला देती है, डायलेट कर देती है, उसी को वैसो डायलेशन बोलते हैं। ये वैसो डायलेशन समझ में आया क्या हुआ, वैसो डायलेशन मतलब एलर्जिकल रिस्पॉन्स के दौरान मान लीजिए कोई ऐसा अचानक क्रिया हो गया उसी को क्यूटेनियस एनाफिलेक्सिस बोलते हैं, जो अचानक क्रिया होती है, अचानक भूत के देख के ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो ये करती क्या है, रिजल्टिंग वैसोडायलेशन, वैसोडायलेशन क्या करता है वेसल्स को जो ब्लड को ले जाती है उसी को डायलेट कर देती है, फैला देती है, जिसकी वजह से रिजल्टिंग डिक्रीज ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या कर जला घट जा, ये इस तरह से वर्क करती है।
इतनी पॉइंट्स बन रहा है यार। पहले तो ये पैसिविटी की तरह काम करेगी और क्यूटेनियस एनाफ्लिक्सिस मतलब अचानक जो क्रिया संपन्न होती है उसी क्रिया के दौरान उसी क्रिया को हम क्यूटेनियस एनाफ्लिक्सिस बोलते हैं, जैसे कि सिस्टमेटिक एलर्जिकल रिएक्शन न सुन रहे हैं। वैसोडाइलेशन का मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाने की वजह से ब्लड वेसल्स को ये डायलेट कर देगा और ब्लड प्रेशर क्या कर जाएगा घट जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया। अगर हम आगे बढ़ते हैं सर जी, मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है, ये इस तरह से कुछ काम करता है, मान लीजिए इस तरह जो काम आप बता रहे हैं तो इसका कुछ मैकेनिज्म हो गए। हाँ तो मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। इसका मैकेनिज्म क्या है कि देखिए कह रहा है कि फर्स्ट मैकेनिज्म के दौरान मैकेनिज्म नंबर फर्स्ट मैकेनिज्म तीन की तरफ काम करता है। पहला आपका प्रिसिपिटेशन होता है और दूसरा आपका कंप्लीमेंट फिक्सेशन होता है, तीसरा आपका न्यूट्रलाइजेशन होता है। ना ये तीन मैकेनिज्म के दौरान अपना कार्य संपन्न करता है। पहला क्या प्रिसिपिटेशन, दूसरा क्या कंप्लीमेंट फिक्सेशन, तीसरा क्या न्यूट्रलाइजेशन। ये तीन क्रिया के द्वारा संपन्न अपना कार्य कंप्लीट करता है, उसी क्रिया को मैकेनिज्म को हम नीचे डिस्कस करेंगे ना। तो पहला क्या है प्रिसिपिटेशन। अब प्रिसिपिटेशन सर जी क्या होता है ये तो जानना पड़ेगा ना। कंप्लीमेंट फिक्सेशन क्या होता है ये भी जानना पड़ेगा, तो लोग तेज तो लोग ना ही ना। न्यूट्रलाइजेशन का ये भी तो बताओ क्या ना, पढ़ू तब ना तेज होगू ना, क्यों पढ़ा ना पढ़ाओ थी आज पढ़ाओ थी तो गे ये हमारा ना लेकिन प्रिंसिपिटेशन का मतलब क्या हुआ। देखिए प्रिंसिपिटेशन पहला मैकेनिज्म हम समझ रहे हैं, प्रिंसिपिटेशन पहला मैकेनिज्म प्रिंसिपिटेशन ये कहीं दूर से समझना है। अब मैकेनिज्म की बात करें कैसे वर्क करता है, तो पहले स्टेप में ये प्रिंसिपिटेशन बनाएगा। पहले स्टेप में क्या बनाएगा प्रिंसिपिटेशन। प्रिंसिपिटेशन में होता क्या है कि जब दो सॉल्युबल कंपोनेंट आपस में कंबाइन करके एक नया मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं, उस कंपोनेंट को जो हमारे ब्लड में इनसॉल्युबल होती है उसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपिटेशन। जैसे कि मान ला दो सॉल्युबल कंपोनेंट बना लू, जैसे कि मान लीजिए आपका एंटीबॉडीज है वो किससे कंबाइन करेगा, तो एंटीबॉडीज भी आपके ब्लड सॉल्युबल होते हैं, ब्लड में घुल जाता तभी ना यार। ये ब्लड में सॉल्युबल होती है। एंटीजन आपको पता है, एंटीजन मान लीजिए किसी रिएक्शन से मान लीजिए कोई पैथोजन आया उसे कंबाइन किया वो भी हमारे ब्लड में सॉल्युबल होता है ना। तो ये एंटीजन एंटीबॉडीज ये सॉल्युबल कंपोनेंट है, ये क्या है जो हमारे ब्लड में घुल जाते हैं आसानी से और आपस में कंबाइन करके एग्लूटिनेशन के रूप में आपको शो कर देते हैं रिजल्ट। जैसे आप कोई चीज का ब्लड जांच करती है ना, टाइफाइड जांच कर लू ना, जांच करती है ब्लड ग्रुप जांच करती है, तो ब्लड ग्रुप में आप करती क्या है एंटीबॉडी लेती है ना, एंटीबॉडी ले लू की एंटीजन प्लाज्मा ले लू ब्लड लेती है, ब्लड में क्या पाया जाता है सब पाया जाता है। एंटीजन लेती है बाहर से ना, जो आपके डब्बे में पैकेट रहता है और आपके आपके ब्लड में प्लाज्मा या कुछ कंपोनेंट में एंटीबॉडीज पाया जाता है ना जी, पाया जाता है ना। आप एंटीजन डालते हैं और वो एंटीजन आपके एंटीबॉडी से कंबाइन करता है, हम आपको बताया था किस तरह से काम करता है ना, और उसे कंबाइन करता है और कंबाइन करके जुड़कर उसे एग्लूटिनेशन के रूप में आपको फटे फटे के रूप में वो रिजल्ट शो कर देता है कि इसका एग्लूटिनेशन यहाँ पे मतलब वो सेम चेक करती हो कि इस एंटीजन का एंटीजन आपके 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 ब्लड में पाया जाता है कि नहीं ना। जैसे कोई पैथोजन माला तो पैथोजन का एंटीजन चेक करूँ ना, तो वो एंटीजन बनाओ लाला, अब वो एंटीजन अगर वो मैच कर गल तो रिजल्ट दे कि हाँ ये आपका टाइफाइड अरे आपका मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए का एंटीजन में पावल जाता ना, ए पावल जाते में ना। तो जैसे कि कोई चीज बना के रख दे पहले से मतलब बना के रख दे तो अगर वो से चेक करो चाहे तो चेक ना कर ले मैं डाल के चेक करूँ क्या कर एंटीजन पावल जाता कि ना।
यही ना होता होगा। तो यही देखिए एंटीजन एंटीबॉडी जो होती है सॉल्युबल होते हैं, ये ब्लड में सॉल्युबल हो जाते हैं और ये जब कंबाइन करते हैं तो इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म करते हैं। क्या कहते हैं? इनसॉल्युबल मतलब कि जो अब इन दोनों से जो कंपोजिशन में तैयार होगा, दोनों जब कंबाइन करेंगे तो इनसॉल्युबल के रूप में आपको कंपोजिशन मिलेगा, इनसॉल्युबल के रूप में। वो ब्लड में सॉल्युबल नहीं, लेकिन एग्लूटिनेशन जब कर लूं तो ब्लड क्लॉट ना करे, ब्लड फट जाए ना, खूब छोटे 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 मारे तो फट जाए, सॉल्युबल ना भूले ला ना मुझे नहीं ना चलो मारू कितना मारू ऊपर ऊपर है आपको ऊपर आ जाए तो तो वो इनसॉल्युबल कंपोनेंट हो जाता है ना। तो देखिए सॉल्युबल दो सॉल्युबल कंपोनेंट से बन के मिला बन बिना बना ना इनसॉल्युबल, तो इनसॉल्युबल सॉलिड आर फॉर्म देन कंपाउंड इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। इसी कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। समझ में आया? ये तो सारी प्रेसिपिटेशन बन गए। अब यहाँ से प्रेसिपिटेशन तैयार हो गया, अब दूसरा वर्क कैसे का हुई ना, मैकेनिज्म नंबर सेकेंड मतलब मैकेनिज्म नंबर फर्स्ट में, अरे मैकेनिज्म नंबर फर्स्ट और दूसरा में पढ़ेंगे ना। दूसरा हम क्या बताते हैं? कंप्लीमेंट फिक्सेशन। कंप्लीमेंट फिक्सेशन का मतलब कि ये जो आपका प्रेसिपिटेट बना ना, ये जो आपका प्रेसिपिटेट बना उसको फिक्स करेगा। फिक्स का मतलब कि इकट्ठा करे, तू इधर आवा तू इधर आवा इधर आवा इधर आवा, ओके एक जगह इकट्ठा करे, उसी क्रिया को कंप्लीमेंट फिक्सेशन बोलते ना। आप फिक्स कर ओके न्यूट्रलाइज कर दी और तो के रिएक्शन के रूप में दे दे कि आई लव पॉजिटिव या नेगेटिव ना, उसी को न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। अभी हम इसको मिटा दे रहा हूं, इसको मिटा दूं? यस सर। कंप्लीमेंट फिक्सेशन कंप्लीमेंट फिक्सेशन सही मीनिंग अवे हो कंप्लीमेंट फिक्सेशन। कंप्लीमेंट फिक्सेशन का मतलब होता है कि दो प्रोडक्ट आर फॉर्म इन फॉर्म प्रेसिपिटेशन ना, मींस का मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ ना, दो प्रोडक्ट आर फॉर्म प्रेसिपिटेशन प्रिंसिपिटेशन का मतलब क्या हुआ कि जो आपको फर्स्ट प्रिंसिपिटेशन के दौरान जो कंपोनेंट का फॉर्मेशन हुआ, ये कंपोनेंट तैयार भलो हो जो ब्लड में इनसॉल्युबल था, तो वही कह रहा है कि कंप्लीमेंट फिक्सेशन का मतलब कि दो प्रोडक्ट आर फॉर्म प्रिंसिपिटेशन, मतलब प्रिंसिपिटेशन के दौरान जो प्रोडक्ट आपका फॉर्मेशन हुआ उसी फॉर्मेशन के पार्ट को कंप्लीमेंट क्या करता है? फिक्स करता। कंप्लीमेंट का मतलब कोई जैसे कोई जैसे होता है ना कि मान लीजिए वो कंपोनेंट तैयार हो गया, कंपोनेंट ये प्रेसिपिटेशन तैयार हो गया, तो अब वो मान लीजिए पिसान पीछे लू, पिसान घर पिसा लो सलाना, जबकि मैं पिसाता है तो पिसान देख लू, जब पिसा जाला तो आप कंप्लीमेंट के रूप में आप उसको इकट्ठा एक जगह कर लो, इकट्ठा करते हैं। अरे आप पुरानका जमाना में देख लो कूड़ो पिसाए लगा फिर इकट्ठा करे लो एक जगह, तो वहां पर भी यहाँ पर भी वही वर्क होता है। यहाँ पे प्रिंसिपिटेशन के रूप में आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे इनसॉल्युबल के रूप में आपको ऐसे ऐसे मिल जाएगा कंपोनेंट ना, ऐसे मिल जाएगा। तो कंप्लीमेंट फिक्सेशन के दौरान क्या होता है कि इसको ये मतलब कि फिक्स करता है एक जगह इकट्ठा करके, ओके क्या करता है? फिक्स करता है। अब फिक्स करके ओके न्यूट्रलाइज करके हमारे बॉडी के लिए है कि नहीं, और जब है तो रिजल्ट देगा, ना है तो नहीं देगा, ओके भगा दे। समझना तू कहां जाएगा वो भगा दे। अरे यार कोई डिजीज मान लीजिए है तो अगर हमारे बॉडी के लिए लाभदायक हो तब तो ठीक है, ना तो के भगा ही ना। एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज क्या है? एंटीबॉडीज हमारे एक सुरक्षा कवच है जो हमारे पैथोजन की या डिफरेंट टाइप के डिजीज से बचाने का काम करती है। तो अगर तुम्हारी बॉडी के लिए लाभदायक रही तो ठीक होके एक्सेप्ट कर ले, अगर ना रही तो के भगे भी ना करी। इतना देखे लू इतना चिन्ह लेना रहू तो ना तो चिन्ह थी जा कहती है ना तुरंत बैठा दे लू घर में आओ पानी पानी पीला ना जा ना पहचान पानी बैठा पिया
पानी पिला देते हैं बोले जान कैसा रहता है। अब तो आर नेचर बात हम बोला बात है ना, अब तू बता रही इतना कि बिना पचल नहीं पानी पिया जाए बाबू तू बोला बात है, लेकिन क्यों पिया वो ना है ना पहले। अरे ठीक है तो प्रोडक्ट आर फार्म प्रेसिपिटेशन, तो प्रोडक्ट आर फार्म प्रेसिपिटेशन प्रॉपर प्रिपरेशन आर मिक्स, और फिर इसको क्या करता है ये पूरी तरह से इसको मिक्स करता है ना प्रॉपर तरीका से, प्रॉपर तरीका से इकट्ठा कर क्योंकि क्या करता है मिक्स करता है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि दे कॉम्प्लीमेंट आर फिक्स, देन कॉम्प्लीमेंट आर फिक्स। जैसे कि हाई कॉम्प्लीमेंट कोई ऐसा पार्ट ले लो जो प्रिसिपिटेशन को क्या करता हो फिक्स करता हो ना, मशीन मान लो कोई ऐसा चीज मान लो ना कंपोनेंट मान लो जो इस कंपोनेंट जो प्रिसिपिटेशन तैयार हुआ है वो कहीं इकट्ठा करके अब मिक्स करता ना, तो वही कह रहा है कि दो प्रोडक्ट आर फॉर्म प्रिसिपिटेशन देन कॉम्प्लीमेंट आर उसको क्या करता है फिक्स करता है, एंड फिक्स प्रॉपर प्रिपरेशन प्रॉपर एंड प्रॉपर प्रॉपर प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन सही है ना जी, प्रोपोर्शन ना प्रोपोर्शन मतलब प्रॉपर तरीका से, जैसे अगर मतलब प्रॉपर तरीका अगर ज्यादा आ तो ओके कम कर दे, कम आ तो मतलब प्रॉपर तरीका से मैनेज करके ओके क्या करता होगा फिक्स करता है। ये दो को मैकेनिज्म समझ आया यस सर, हां कॉम्प्लीमेंट। तो अब तीसरी हम अगर वर्ड की बात करें तो तीसरी अगर पॉइंट की बात करें, ये पॉइंट समझ आया प्रॉपर प्रिसिपिटेशन उसको इकट्ठा करके प्रॉपर तरीका से क्या करता है फिक्स करता है। अब तीसरी पॉइंट की अगर हम बात करें, तीसरी पॉइंट की बात करें तो तीसरा जो वर्ड आता है ना कि न्यूट्रलाइजेशन, इंक खत्म हो गया इंक ले लेगा न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब कि आपका जो कंपोनेंट पैक तैयार हो गया न्यूट्रल करके अगर बॉडी का मार्क सही है तो सही है, अगर नहीं सही है तो उसको मार का क्या कर देगी, यही पे न्यूट्रलाइज करती है कि यह हमारे बॉडी के लिए लाभदायक है कि नहीं। तीसरा काम यही न्यूट्रलाइज करती है, अगर हमारे बॉडी के लिए सही है तो ठीक है, नहीं सही है तो एंटीबॉडी उसको मार 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 के भगा दे, चलो भागा यहाँ से ना। अब इतना तो वे कमा कर ला जब ना अगर जब पर्चे वर्चे रहा तो कहना ले अभी ना थे ना था आज चली ला घर है ना, तो ना भैया तो हम ना करी ना न्यूट्रलाइजेशन का मतलब कि जो भी टॉक्सिक मटेरियल होगा उसमें जो मतलब टॉक्सिक मटेरियल होगा अगर बॉडी के लिए तो उसको फिक्स करेगी न्यूट्रलाइज करेगी और हमारे बॉडी को एक्सेप्ट करके रिस्पॉन्स करेगी ना। तो न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है कि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल जो भी प्रिसिपिटेशन के दौरान जो कंपोनेंट तैयार होगा तो वो के न्यूट्रलाइज करे ना, और न्यूट्रलाइज करके उस पैथोजन को मार मार के भगाए, जैसे कोई ऐसा पैथोजन को किल हो नुकसान पदार्थ हो ना या एंटीबॉडी जहरीला कोनो ऐसा हमारे बॉडी को नुकसान करता हो तो वो इन्फेक्टेड कर देगा, तो आईजीजी इसी तरह से वर्क करेगा ना, पहले उसको प्रिसिपिटेट बनाएगा उससे जुड़ेगा नया कंपोनेंट बनाई फिर कंप्लीमेंट उसको फिक्स करेगा और फिर उसके टॉक्सिक मटेरियल को न्यूट्रलाइज करे, न्यूट्रलाइज करे तभी ना हमारी बॉडी को नुकसान ना, अब घुस गला तो नुकसान करे ना करी तो वो उसको वो क्या करता है न्यूट्रलाइज करेगा ताकि हमारी बॉडी का नुकसान न कर सके, और न्यूट्रलाइज करके ओके मार मार के क्या कर दे रहा, इस तरह से आईजीजी हमारा वर्क करती है। तो होप मतलब ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये मैं उम्मीद किया होगा कि ये जितना मैंने आपको आईजीजी के बारे में बताया वो आप अच्छे परफॉर्मेंस के साथ अच्छे तरीका से आप रिवाइज कर कराएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे इसी तरह से अच्छे वीडियो के साथ इसका पार्ट नंबर 5th में,
IGA। तो अगर अगर हमारे चैनल पे एक बार मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि जो भी मैं पार्ट नंबर ठीक लाऊं वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो। तो चलते हैं आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, बाय, सत श्री अकाल।